सो गाइस, जैसा कि आप फ्रंट डिस्क ब्रेक देख पा रहे हैं और रियर डिस्क ब्रेक देख पा रहे हैं, तो बताना चाहेंगे गाइस, आपका साइकिल का डिस्क ब्रेक अगर स्लिप होता है या फिर नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है आपका साइकिल का डिस्क ब्रेक में, तो ये दोनों ही प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है और कैसे ठीक किया जाता है, तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपका साइकिल का डिस्क ब्रेक स्लिप होता है या फिर नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है, किस वजह से आता है और इसे ठीक कैसे करना है, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें बिना स्किप किए हुए, और वीडियो को शुरू से करके एंड तक जरूर देखें, तभी आप लोग को पूरा जानकारी मिलेगा, तभी आप कर पाइएगा। अगर आप पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं तो नहीं कर पाइएगा, इसका मैं फुल गारंटी आप लोग को देता हूं। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पूरा देखें। आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं देखते हैं, थोड़ा सा देखने के बाद डायरेक्टली कमेंट कर देते हैं, कमेंट करने में हम मना नहीं करेंगे, कमेंट किए तभी हम जान पाएंगे कि ये प्रॉब्लम के बारे में वीडियो चाहिए पब्लिक को, ठीक है गाइस। तो बताना चाहेंगे वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें तभी आप जान पाइएगा, और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए आप लोग को बताते हैं डिस्क ब्रेक में जो स्लिप का प्रॉब्लम होता है, नॉइस का जो प्रॉब्लम होता है, फ्रंट डिस्क ब्रेक हो या फिर रियर डिस्क ब्रेक हो, तो कैसे ठीक करना है विदाउट मैकेनिक, विदाउट शॉप ले जाए हुए, आप अपने घर में ही कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को अच्छे से बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे जो नॉइस का प्रॉब्लम, स्लिप होने का प्रॉब्लम आता है, वो क्यों आता है, किस कारण से आता है, किस वजह से आता है। आप लोग साइकिल में ऑयलिंग मेंटेनेंस का ध्यान देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं देते हैं तो ऑयलिंग मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान दे गाइस, इससे साइकिल आपका स्मूथ और फाइन चलता है। तो बताना चाहेंगे डिस्क ब्रेक, जब आप साइकिल में ऑयलिंग करते हैं गाइस, और जब आप डिस्क ब्रेक में करते हैं, तो हम आप लोग को दिखा देते हैं। जैसा कि डिस्क ब्रेक में ऑयलिंग इस जगह में किया जाता है, थोड़ा सा इस जगह में नट बोल्ट में, थोड़ा सा यहाँ पर हल्का एकदम माइनर में किया जाता है, ठीक है गाइस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ये नट में हल्का सा माइनर, थोड़ा सा यहाँ पर ही, थोड़ा सा यहाँ पर ही, यानी माइनर माइनर आपको हर जगह में ऑयल करना है, ठीक है गाइस। उसके बाद जब आप व्हील में ऑयल करते हैं गाइस, इस तरीका से, ठीक है, व्हील में जब आप ऑयल करते हैं तो हद से ज़्यादा जब ऑयल गिर जाता है व्हील में, वायरिंग में, तो उसमें क्या होता है कि ये डिस्क में चला आता है, जो कि आप लोग को मालूम नहीं होता है, ठीक है गाइस। अगर मालूम भी हो जाता है तो थोड़ा सा आप कपड़ा सा फ्रेश कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसका वजह से क्या होता है कि ये जो डिस्क पैड आप देख रहे हैं, ये ब्रेक पैड में क्या होता है कि ऑयल चला जाता है, ऑयल जाने की वजह से क्या होता है कि डिस्क पैड पूरा भींग जाता है, ठीक है, ऑयल से। भींगने के बाद क्या होता है कि आप इसे कितना भी साफ कर ले, ये जल्दी साफ नहीं होता है, और जो स्लिप होने का एक्चुअली जो मेन रीजन है गाइस, वो आपका डिस्क पैड से ही आता है, और जो एक्चुअली जो नॉइस का प्रॉब्लम आता है वो आपका डिस्क पैड से ही आता है। कोई कोई साइकिल का डिस्क ब्रेक ऐसा होता है गाइस, डिस्क पैड ऐसा होता है कि ऑयल जाने के बाद भी ब्रेक सही से वर्क करता है, सही से काम करता है, लेकिन उसमें नॉइस का प्रॉब्लम आता है। और कोई कोई डिस्क ब्रेक ऐसा होता है जो कि ब्रेक आपका एकदम स्लो काम करेगा और नॉइस का प्रॉब्लम आता है, स्लिप का प्रॉब्लम आता है, ये सब एक साथ में होता है। तो ये बाय द वे डिस्क ब्रेक में होता है, सभी में नहीं होता है। लेकिन गाइस, जो आपको बताएं कि ऑयल जाने के बाद जो है डिस्क ब्रेक जो है सही से वर्क करता है, तो उसमें क्या होता है कि नॉइस का प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, स्लिप होने का और नॉइस का, आपको जैसे जैसे हम बता रहे हैं उस तरीका से करना है। तो हम आपको जैसा शुरू में बताएं, वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ब्रेक बटन आप देख रहे हैं, ठीक है, डिस्क का जो लीवर है, लीवर का जो नट है जिसमें वायर फंसा हुआ है, ब्रेक सही से वर्क करता है, सही से काम करता है, तो ये वायर का नट को आपको जो है इस तरीका से लूज़ करना है, ठीक है। देखिए मैं आप लोग को करके दिखा देता हूँ, इस तरीका से आपको लूज़ करना है और वायर को जो है इस तरीका से आपको जो है बाहर निकाल लेना है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है, ये डिस्क बॉक्स को आपको बाहर निकालना है, ठीक है। तो डिस्क बॉक्स को इस तरीके से आपको खोलना है, ठीक है। एक आपको यहाँ नट मिल जाएगा और एक आपको इस जगह में नट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों नट को आपको नहीं खोलना है, ये दोनों नट मिलाने का काम आता है डिस्क ब्रेक का। ये जो नीचे में आप नट देख रहे हैं, तो ये नीचे वाला नट को आपको इस तरीके से खोल लेना है, खुल जाएगा। थोड़ा सा अगर टाइट ज़्यादा रहेगा तो आपको किसी तरीके से खोल लेना है, तो ये आपका आसानी से खुल जाएगा। उसके बाद जो है नीचे वाला नट को भी आपको इस तरीके से खोल लेना है, ठीक है। तो हम खोलते हैं और डिस्क को बाहर निकालते हैं, फिर आप लोग को दिखाएंगे और बताएंगे। सो गाइस, तो देखिए हम जैसे ही डिस्क ब्रेक को खोलें, ठीक है, इसमें जो है देखिए वाशर, इसमें देखिए वाशर लगा हुआ था गाइस, अंदर में इस तरीके से अंदर में फिट था, ठीक है गाइस। तो डिस्क ब्रेक खोलते समय आप जिस तरीके से डिस्क ब्रेक को खोल रहे हैं, तो वो चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि डिस्क ब्रेक हम खोल किस तरीके से रहे हैं, अंदर में वाशर केगो था, बाहर में केगो वाशर था, ये सब चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये सब चीज़ ध्यान देते हुए आपको डिस्क बॉक्स को खोल लेना है। जैसा कि देख पा रहे हैं हम डिस्क बॉक्स को खोल लिए। डिस्क बॉक्स को खोल लेने के बाद आपको क्या करना है गाइस, इसमें क्या होता है कि डिस्क में पूरा ऑयल लगा हुआ रहता है गाइस, ठीक है, ऑयल जो गिर जाता है तो आपका
क्या होता है कि ये जो हॉल आप देख रहे हैं डिक्स का, ठीक है, जिसमें एयर निकलता है, तो ये हॉल सबको आपको बढ़िया से क्या करना, फ्रेश कर लेना, एकदम क्लीन कर लेना है। क्लीन कैसे करना है गाइस, घासलेट ऑयल ले लेना है, जिसे केरोसिन ऑयल और मिट्टी तेल भी बोला जाता है गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो हम कढ़ाई में ले लिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मिट्टी तेल से जो है गाइस घासलेट से पूरा डिक्स को आपको वॉश करना है एकदम अच्छी तरीका से, ठीक है। पूरा डिक्स को आपको जो है वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, जैसा कि ये डिक्स आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो है क्लीन है, इसमें हमारा ऑयल नहीं गया हुआ, एकदम कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हम आप लोग को दिखाने के लिए और बताने के लिए। आपका जो डिक्स में अगर ऑयल चला जाता है तो पूरा ऑयल आपको दिखेगा और ब्लैक टाइप का पूरा आपका डिक्स दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, घासलेट ऑयल से जिस तरीके से हम आपको बताएं, आपको पूरा बढ़िया से जो है क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है। वॉश कर लेने के बाद आपको क्या करना है, डिटर्जेंट पाउडर ले लेना है, कोई भी कंपनी का होना चाहिए डिटर्जेंट पाउडर, उससे आपको एक बार बढ़िया से जो है वॉश कर देना है, ठीक है। डिटर्जेंट पाउडर से पहले आपको घासलेट से कर लेना, फिर आपको डिटर्जेंट पाउडर से कर देना है, ठीक है। बढ़िया से वॉश कर देना है ताकि जरा सा भी ऑयल ना रहे, ठीक है। वॉश कर देने के बाद कोई भी सूखा कपड़ा से आपको क्या करना है, डिक्स को फ्रेश कर देना है, ठीक है। जब तक डिक्स आपका सूखेगा उसके बाद आपको क्या करना है बताते हैं। इस तरीका का मंकी प्लायर ले लेना है, तोता प्लायर। उसके बाद जो अपोजिट साइड में जो आप रिपीट देख रहे हैं, जैसे कि गाइस आप डिक्स में देख पा रहे हैं, तो डिक्स में देखिए इसमें रिपीट लगा हुआ है, ठीक है। किसी किसी डिक्स में आपका जो है इस जगह में नट लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो स्क्रू ड्राइवर से आपको ये नट खोल लेना है। तो हम रिपीट को पहले इसका निकाल लेते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं इसे चीरा पिन भी बोले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको ये कर लेना है, जैसा कि हम दिखाएं आपको, उसके बाद आपको इस तरीके से खींचेंगे तो देखिए ये जो चीरा पिन हमारा बाहर आ गया है। चीरा पिन को साइड में रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिक्स बॉक्स का जो पैड है इसे आपको इस तरीके से खींचेंगे तो देखिए बाहर आ गया, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड वाला कौन सा था, राइट साइड वाला कौन सा था, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान देते हुए फिट करना है। अगर ये चीज़ नहीं भी ध्यान देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ना, लेकिन अगर आप ध्यान देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक लेवल में जो कि डिक्स घिसता है इसके वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान देते हुए आपको निकालना है। निकाल लेने के बाद आपको क्या करना है गाइस, बढ़िया से आपको डिक्स बॉक्स को जो है धो देना है। तरह का एक कोई भी सूखा कपड़ा ले ले और जितना भी घासलेट ऑयल है उसे आपको जो है बढ़िया से फ्रेश कर लेना है। इस तरह से गाइस थोड़ा सा आपको जो है डिटर्जेंट ले लेना है, ठीक है। तो डिटर्जेंट हम ले लिए हैं थोड़ा सा। डिक्स बॉक्स को जो है आपको डिटर्जेंट से बढ़िया से साफ करना है। तो चलिए हम बढ़िया से साफ कर लेते हैं डिक्स बॉक्स को, ठीक है गाइस। तो आपको जो एकदम क्लीनली साफ करना है गाइस, ये चीज़ का ध्यान देते हुए आपको करना है। जरा सा भी इसमें ऑयल लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइस। डिटर्जेंट से आपको बढ़िया से जो है डिक्स बॉक्स को वॉश कर लेना है, ठीक है। जरा सा भी एकदम इसमें जो घासलेट ऑयल लगा हुआ नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बढ़िया से फ्रेश कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद गाइस आपको डिक्स पैड को ले लेना है, जैसा कि देख पा रहे हैं। और डिक्स पैड जो है हम हटा दिए हैं, और इसका क्लिप जैसा कि देख पा रहे हैं, तो क्लिप को हम साइड कर देते हैं। और डिक्स पैड आप जैसा कि देख पा रहे हैं, तो आपका साइकिल का जो डिक्स पैड होगा गाइस, वो पूरा एकदम अच्छी तरीके से ब्लैक हो चुका होगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें व्हाइटनेस है, और आपका साइकिल का जो डिक्स पैड होगा वो पूरा ब्लैक हो चुका होगा, क्योंकि उसमें ऑयल लगा होगा इसके वजह से, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, घासलेट ऑयल से बढ़िया से डिक्स पैड को बढ़िया से आपको साफ कर लेना है। एकदम अच्छी तरीके से साफ करने के बाद आपको क्या करना है, फिर डिटर्जेंट ऐसा जो एकदम साफ कर देना है, ठीक है। इसे आपको जो है दो तीन बार साफ करना है डिटर्जेंट पाउडर से। तो इसे आपको साफ कर लेना है, क्योंकि हमारा इसमें ऑयल नहीं गया तो हम साफ नहीं करेंगे। आप लोग को दिखाने और बताने के लिए प्रोसेस कंप्लीट करके हम आप लोग को अच्छे से बता दिए कि डिक्स पैड को, डिस्क ब्रेक को कैसे फिट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फिटिंग के टाइम में। तो चलिए अब आप लोग को फिट करके हम दिखाते हैं और बताते हैं। मैं एक चीज़ और हम आप लोग को बताना चाहेंगे गाइस, जब आप डिक्स पैड को घासलेट ऑयल से क्लीन कर लेंगे, साफ कर लेंगे, उसके बाद डिटर्जेंट पाउडर से जब आप दो तीन बार साफ कर लेंगे, साफ करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको जो है हीट करना है, ठीक है, गर्म करना है, ताकि अच्छे से ऑयल वगैरह, पानी वगैरह एकदम सूख जाए, ठीक है गाइस। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको फिट करना है। तो चलिए फिट कैसे करना है आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। डिक्स पैड को ले लेना है, और जिस तरीके से आप क्लिप से खोले थे उसी तरीके से क्लिप में आपको जो है इस तरीके से फंसा लेना है गाइस, ठीक है। तो ये आपका आराम से जो है इजी और आसान तरीका से फंस जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं क्लिप हमारा जो अच्छी तरीके से फंस गया गाइस। डिक्स बॉक्स को लेने के बाद जैसा कि हम आपको लेफ्ट एंड राइट बताए थे, ठीक है गाइस, तो उस तरीके से आपको देखते हुए जो फिट कर लेना है। तो चलिए हम देख लिए हैं, देखने के बाद जो हम अंदर की ओर प्रेस कर रहे हैं, तो इसे आपको स्मूथली और आराम से करना है गाइस एकदम। देखिए ये हमारा हो गया है, डिक्स पैड हम फिट कर दिए हैं। डिक्स पैड फिट करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें अगर नट लगा हुआ रहेगा तो सामने की ओर से जाएगा, और नट को आपको टाइट कर देना है स्क्रू ड्राइवर से। तो हमारा चीरा पिन है जैसा कि हम आपको बताएं, ठीक है गाइस। तो ये पिन को जो है हम अंदर की ओर प्रेस करेंगे, जिस तरीके से हम खोले थे उसी तरीके से हम अंदर की ओर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारा हो चुका है गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है,
है, जिस तरीका से आप खोले थे उस तरीका से फिट कर देना है। जैसा कि देख पा रहे हैं चीरा पिन को हम बढ़िया से फिट कर दिए हैं। चीरा पिन को फिट करने के बाद आपको क्या करना है, हल्का सा जो है डिस्क में ऑयल देना है। इस जगह में ऑयल लगता है गाइस, तो हल्का सा डिस्क में ऑयल देना है, ज्यादा नहीं देना है, कर देना एकदम माइनर करना है, ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद इस तरीके से एक्स्ट्रा जो ऑयल रहेगा आपको फ्रेश कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस जिस तरह से आप डिस्क बॉक्स को खोले थे उस तरह से आपको डिस्क बॉक्स को जो है फिट कर लेना है। बॉक्स फिट कर देने के बाद आपको क्या करना गाइस, इस तरीका का दो वाशर जो इसमें अंदर की ओर लगा हुआ था तो उसी तरीका से जो है दोनों वाशर को जो हम अंदर की ओर लगाएंगे। तो ये देखिए एक वाशर जो है इस जगह में था, तो हल्का सा जो है वाशर को लगा दिए हैं और डिस्क को पहले फंसा लेते हैं एक साइड में। तो ये देखिए हम हल्का सा नट में जो फंसा दिए, फिर दूसरा वाशर लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाशर लेने के बाद हल्का सा यहाँ पर ही जो है फिट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा वाशर को भी जो हम लगा करके इस तरीके से नट को टाइट कर दिए, ठीक है गाइस। तो हाथ से जितना हुआ पहले टाइट कर देते हैं। हाथ से टाइट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, नट को इस तरीके से टाइट कर देना है, जो कि इसमें आपको एलेंकी स्पैनर लगता है 5 mm का, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपको जो है फुल टाइट दे देना है। फुल टाइट देने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से व्हील को जो आपको घुमा के देखना है। तो हमारा व्हील एकदम सही से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस तरीका से आप जो है खोले थे उस तरह से आपको वायर को फिट कर लेना है। तो देखिए हम फिट कर ले रहे हैं, तो इस तरीका से आपको जो है वायर को बढ़िया से फिट कर लेना है। वायर को फिट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से हल्का उठाना है, ठीक है, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर करने के बाद ये जो नट आप देख रहे हैं, ये नट को आपको टाइट करना है, ये नट को आपको इस तरीके से टाइट कर देना है, ठीक है गाइस। तरह से टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, ब्रेक को प्रेस करके देखना है, ठीक है। ब्रेक अगर ज़्यादा हार्ड लगता है तो व्हील को एक बार घुमा के देख लें। अगर व्हील फ्री और फाइन घूम रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा फ्री नहीं घूम रहा है, इसका मतलब जो है डिस्क पैड में सट रहा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से जो है हल्का सा लूज करना, ठीक है, हल्का सा माइनर करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। माइनर लूज करने के बाद फिर से आपको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद फिर ब्रेक को प्रेस करके देखना है और फिर व्हील को घुमाना है। तो व्हील हमारा देखिए गाइस एकदम पूरा फ्री घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और ब्रेक भी हमारा सही से वर्क कर रहा है। अगर आपका साइकिल का डिस्क ब्रेक में स्लिप होने का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो जिस तरह से हम आप लोग को बताएं इसी तरीका से कर लेना है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा और आसानी से हो जाएगा। उसके बाद गाइस एक और प्रोसेस हम आप लोग को क्लियर करते हैं। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अगर डिस्क कहीं पर भी सट रहा है या फिर फंस रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो नट आप देख रहे हैं डिस्क के ऊपर में है, तो ये दोनों नट आपको डिस्क बॉक्स को एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, लूज करना है इस तरह से, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपको जो है दोनों ही नट को लूज करना है। ये देखिए हम एक नट को लूज कर दिए हैं, अब दूसरा नट को हम लूज कर देते हैं। ये देखिए गाइस हम दोनों ही नट को जो है लूज कर दिए हैं। दोनों नट को लूज करने के बाद आपको क्या करना है, ब्रेक को एक बार प्रेस करना है इस तरीके से, ठीक है। ब्रेक प्रेस करने के बाद आपको जो व्हील को घुमाना है, व्हील को घुमाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से ब्रेक को प्रेस करना है। ब्रेक को पूरा कंप्लीट प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, फिर एक बार व्हील को घुमाना है। व्हील को घुमाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो नट आप खोले थे, जो नट को आप लूज किए थे एडजस्ट नट को, उसको इस तरीके से आपको टाइट करना है, ठीक है। तो दोनों ही नट को हम टाइट कर देते हैं आराम से। तो ये देखिए दोनों ही नट को हम टाइट कर दिए हैं और डिस्क बॉक्स जो सेटिंग का अलाइनमेंट का जो प्रॉब्लम था डिस्क बॉक्स का, वो हमारा एकदम क्लियर हो चुका है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, अदरवाइज एक्स्ट्रा और कुछ होता नहीं है, जिस तरीके से बताएं इसी तरीके से होता है, तो इस तरीके से कर लेना है।